रोहतक की शीतल कॉलोनी में हुए ट्रिपल हत्याकांड मामले में प्रदीप उर्फ बबलू पहलवान, उसकी पत्नी बबली, सास रोशनी की गोली मारकर हत्या की गई थी। शनिवार को तीनों शव का दोपहर करीब 2 बजे पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने तीनों के शव परिजनों को सौंप दिया। बबलू की 18 वर्षीय बेटी तन्नू पीजीआई के ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पहलवान बबलू की बेटी तन्नू को शुक्रवार देर रात पीजीआई से गुड़गांव मेदांता रेफर किया गया था, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने वापस पीजीआई भेज दिया। वारदात के 2 दिन बाद भी तन्नू के सिर में से गोली नहीं निकाली जा सकी थी। डॉक्टरों के अनुसार तन्नू की हालत बेहद गंभीर है। वहीं ट्रिपल हत्याकांड में पुलिस के लिए पहलवान और उसकी पत्नी का मोबाइल फोन भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। साइबर की टीम ने पहलवान के ज्यादा संपर्क में रहने वाले लोगों की सारी डिटेल खंगाली है। अब पुलिस इनमें से उन लोगों को चिन्हित करने में लगी हुई है जिनका पहलवान व उसके परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर कुछ दिन पहले मनमुटाव हुआ हो। इसी के साथ ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसपी राहुल शर्मा खुद भी नजर रखे हुए हैं। पुलिस की एक विशेष टीम सादे कपड़ों में कॉलोनी में लोगों से पहलवान और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। इसमें पारिवारिक के साथ ही प्रॉपर्टी विवाद को भी पुलिस साथ जोड़कर देख रही है। घटना स्थल के आसपास के करीब 500 मीटर के चारों तरफ से एरिया में लगे करीब 20 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने खंगाली है। पुलिस का फोकस संदिग्ध गाड़ी और व्यक्ति पर है। इसके साथ पुलिस पहलवान के ही नजदीकियों की भी गतिविधियों को पुलिस वेरीफाई कर रही है।